अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS507 का असाइनमेंट का सोल्यूशन आप सबके लिए लेकर आया हूँ। ये लेक्चर 1 to 10 कवर कर रहा है, बड़ा ही आसान सा 10 मार्क्स का ये सोल्यूशन है। थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है, लेकिन बार हम इसको देखेंगे। उसकी लास्ट डेट है वो 5 दिसंबर है। हम देखेंगे इसको और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा इस सोल्यूशन के बारे में कि क्या क्या है और किस तरह आपने इसका सोल्यूशन राइट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, वी आर रिक्वायर्ड टू चूज द मोस्ट प्रिपेयर्ड नेम टीम अगेंस्ट ईच सिनेरियोज। मतलब एक टेबल है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए हैं और उस सिनेरियोज को देखते हुए हमने डिफरेंट टीम मेंबर जो हमने नेम चूज करने हैं जो उसके लिए मोस्ट फेवरेबल हों या अप्रोप्रिएट हों। तो हमारे पास ये कुछ ये टीम है और नाम है, हम उनको स्क्रॉल डाउन करते हैं और देखते हैं हमारे पास जो टेबल के अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सिनेरियो है वो क्या है कि कोर्स टाइटल इज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका जो क्या कहते हैं टीम होगी वो 2 होगी और ये हमारे पास इसका जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये CS507 है, ठीक है। जो दूसरा है कि रिपोर्ट ऑन हाउ मच द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन नेक्स्ट 20-100 ईयर्स। तो ये इंफॉर्मेशन है एंड इसका जो आंसर है वो 11 पर है, ठीक है। एंड जो थर्ड वन है कि टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। क्या है इंटरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये थर्ड है। द फोर्थ हमारे पास इट इज बींग फॉलोड बाई क्वाइट ऑफ इट वेयर डिसीजन इज मेड डायरेक्टली थ्रू द इनपुट डेटा प्रोसेस्ड विद प्री डिफाइंड रूल्स रेगुलेशन। सो वंस यू आइडेंटिफाई द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन देन यू आल्सो गेट द आइडियाज ऑफ डिसीजन दैट नीड टू बी मेड। इसमें क्या कह रहा है कि इसको जो आंसर है वो स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच। तो क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी बेस पर आपने जो आपका डिसीजन है वो आपने लेना है, मतलब एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपने इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है। देन वो कह रहा है कि फाइल कंटेनिंग द न्यूमेरिक वैल्यूज शोइंग द टेम्परेचर ऑफ लास्ट 10 ईयर। वो क्या है हमारे पास सिंपल डेटा है, ठीक है, रॉ डेटा है जो हमें जस्ट टेम्परेचर दिखा रहा है लास्ट 100 ईयर का। एंड जो नेक्स्ट वन है कि द रेगुलरली एक्टिविटीज इन रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द रूल्स एंड लॉज रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशंस एंड मिनिमम वेज लॉज एंड रेगुलेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं सारा नहीं पढ़ते इसको। तो वो कह रहे हैं कि लीगल एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, ये इसका हमारे पास सोल्यूशन है, सॉरी इसका आंसर है। एंड जो लास्ट वन है कि द जनरली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट आर नॉट वेल डिफाइंड द इंफॉर्मेशन इज मोर लाइकली टू बी एम्बिजियस इनकम्प्लीट, द अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन मेकर मे नीड टू प्रैक्टिस सम थॉटफुल जजमेंट और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप ए बेटर सोल्यूशन। तो इसका जो आंसर है नो स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच या नॉन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच, इसका हमारे पास ये आंसर बनता है। बरहा ये आपका सोल्यूशन है CS507 का। किसी का कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरी हो रही, जो कमेंट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर किसी को ये फाइल चाहिए तो भी हमारे फेसबुक पेज पर हमसे आकर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।